ग्वालियर में समधीन की हत्या करने वाले समयती और उसके छोटे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ससुराल में बेटी को परेशान करने पर पंचायत करने और शादी में दिया गया सामान वापस लेने आए समधी ने बेटी और दो बेटियों के साथ मिलकर समधीन पर हमला कर दिया था। इस हमले में समधीन पूरी तरह घायल हो गई। समय रहते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी समधी और उसके एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य दो आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। आत्री थाना क्षेत्र में जो है पिपरी गांव में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 7 तारीख को जो है एक सास को जो है पारिवारिक विवाद को लेकर उसकी बहू और उसके परिजनों ने मारपीट की थी, जिससे 9 तारीख तक वो सास जो है घर पे घायल अवस्था में पड़ी रही और उनके परिजनों को जब सूचना मिली तो 9 तारीख को थाना लेकर आए थे आत्री थाने पर। तो उस पर से आत्री थाने द्वारा तत्काल उसमें रिपोर्ट दर्ज की गई और जो सास थी उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, वहाँ से रेफर करके ग्वालियर भेजा गया था। अगले दिन ही जो सावित्री देवी थी उनकी वहाँ पे इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, तो उस प्रकरण में धारा 302 बढ़ाई गई थी और प्रकरण में विवेचना की जा रही थी। विवेचना के जो बहू थी और उसका परिजन है वो दतिया जिले के रहने वाले हैं। तो कल जो है उसमें से आरोपी अजय और अमर सिंह दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की जाकर माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया।